Subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km. At the same time, another plane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? सबसे पहले तो भाई आपको यहाँ पे डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए और वो होगी आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मतलब ये हुआ कि एक प्लेन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्थ में और दूसरा प्लेन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये पॉइंट जो है ये हमारा एयरपोर्ट हो जाएगा एक तरीके से, है ना। क्योंकि ये बोल रहा है कि जो पहला वाला प्लेन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 1000 की स्पीड में और दूसरा वाला जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में 1200 की स्पीड में। अच्छी बात ये है कि ये एट द सेम टाइम निकले, सेम टाइम पे निकले हैं तो ये इस तरह जा रहे होंगे। लेकिन दूसरा वाला प्लेन ज्यादा तेज चल रहा है तो दूसरा यानी वेस्ट वाला प्लेन थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कैसे ये प्लेन्स चल रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों जो प्लेन्स हैं वो पॉइंट्स टाइप के ही होंगे, है ना। तो एक प्लेन मेरा ब्लैक कलर का है और दूसरा प्लेन जो है वो व्हाइट कलर का है, व्हाइट वाला है जो ज्यादा तेज चलता है। मैंने ये तो बता ही दिया कि ये डायरेक्शन है ना, ये प्लेन जैसे लग भी रहे हैं वैसे ये जो है ये इंक के कैप्स हैं, पता ही होगा आपको। तो अब क्या हो रहा है कि एक ही एयरपोर्ट से ये लोग निकल रहे हैं तो ये वाला व्हाइट वाला ज्यादा तेज चल रहा है, तो 1.5 घंटे बाद व्हाइट वाला ज्यादा आगे पहुंच जाएगा और ब्लैक वाला जो है थोड़ा एयरपोर्ट से कम दूरी तय कर पाएगा। तो हम लोग का कुछ जो ट्रायंगल है वो ऐसा बनेगा। तो यही चीज आपको समझाना था, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं कैप्स वापस लगा देता हूं और हम लोग अब अपना डायग्राम बना लेते हैं। बहुत ही इजी डायग्राम है। तो जो फास्ट वाला प्लेन है 1200 वाला वो ज्यादा आगे तक जा चुका है और ये पॉइंट ए जो है ये एयरपोर्ट है, ये पॉइंट जो है इसको मैं नॉर्थ प्लेन मान रहा हूं और इसको मैं वेस्ट प्लेन मान रहा हूं। मतलब प्लेन का नाम भी मैंने एन और डब्ल्यू दे दिया। ये पक्का है कि डायरेक्शंस जो है आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, नॉर्थ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो अपना ये वाला प्लेन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये वाला प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो डायग्राम तो हो गया। अब उसके बाद एक और बात आती है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां पे लेकिन स्पीड लिखा है तो मैंने स्पीड लिखा। तो यहां से हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना। D इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला बन जाता हम लोग का। ये पता भी होगा आपको पहले से, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन फ्लाइंग ड्यू ईस्ट, है ना। ड्यू ईस्ट नहीं बल्कि ड्यू नॉर्थ, पहला वाला तो नॉर्थ चल रहा है, वो कितनी होगी, स्पीड कितनी थी 1000 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कितना लिया गया 1.5 आवर, 1.5 आवर। तो डिस्टेंस हमारी किसमें आ जाएगी, किलोमीटर में आ जाएगी। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 2 = 3/2, तो डिस्टेंस आगे किलोमीटर में, आर आर कट जाएगा,
तो ये हो जाएगा एक तरीके से, टू इसको काटा 500, ये हो गया 1500 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ वो हो गई 1500 किलोमीटर। हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एन इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर। यहीं पे आप एन लिख दीजिए, ठीक। उसी तरह डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन फ्लाइंग ड्यू वेस्ट निकालेंगे। यहां पर स्पीड ज्यादा है, कितनी 1200 किलोमीटर पर आवर। दिस टाइम कितना है 1.5 आवर। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, तो ये हो गया 1800 किलोमीटर। तो देयरफॉर AW इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस जो हो गई वो 1800 किलोमीटर हो गई। अब हमारा क्या गोल है कि हम लोग ये निकालें हाउ फार आर द प्लेन्स विल बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर आफ्टर 1.5 आवर, यानी कि 1.5 आवर के बाद ये प्लेन यहां पहुंच चुका होगा एन वाला और डब्ल्यू वाला यहां पहुंच चुका होगा, यानी कि हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो ये डिस्टेंस को तो पहले हम लोग कनेक्ट कर दें, चलिए कनेक्ट कर देते हैं। ओके, यानी कि हम लोग को एनडब्ल्यू या डब्ल्यू एन निकालना है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ए एन डब्ल्यू ए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू एन स्क्वायर, ठीक। डब्ल्यू मैंने वेस्ट की वजह से लिया है, एन मैंने नॉर्थ की वजह से लिया है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा 1800, ये कैसे हो रहा है भाई, ये पाइथागोरस की वजह से हो रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। 1800 स्क्वायर एन कितना था 1200 स्क्वायर है ना, सॉरी 1500 स्क्वायर डब्ल्यू एन, ठीक है। तो अब हम लोग को यहां से डब्ल्यू एन कैलकुलेट करना है। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो यहां पे क्या करिए आप 100 इंटू 18 कर दीजिए इसे, और इसे 100 इंटू 15 कर दीजिए। अभी भी स्क्वायर ही चल रहा है, ठीक है। और डब्ल्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 18 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये कर सकते हैं हम लोग। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे 3 भी कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग 3 को भी बाहर ले जाए, बाकी आप अपने हिसाब से अंडर रूट भी निकाल सकते हैं, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा वो करना। यहां दिखता ज्यादा है कि लिख रहे हैं, लेकिन कोई रफ वर्क नहीं करना पड़ रहा है। तो 3 को भी आप बाहर ले जाइए, तो 100 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है ना, यहां से 3 इंटू 6 है, तो 3 स्क्वायर को बाहर ले गए, जैसे 100 को बाहर ले गए थे। तो सीधे एक्चुअली मुझे 300 ही कॉमन लेना चाहिए, बट वो सबको स्ट्राइक नहीं करता है, कोई बच्चा होगा ऐसे ही करेगा, इसलिए मैंने थोड़े ज्यादा स्टेप लिए। ओके, अब अपना काम बनता हुआ दिख रहा है, और आपकी बुक ने भी जिस तरह से आंसर दिया है उससे ये हिंट मिल रहा है कि ये हम लोग को करना आना चाहिए। 6 स्क्वायर कितना हुआ 36, ये 5 स्क्वायर हुआ 25, तो अंडर रूट 100 स्क्वायर तो हुआ 100, अंडर रूट 3 स्क्वायर हुआ 3, तो डब्ल्यू एन ये हो गया 100,
और ये हो गया 3, यहां पे अंडर रूट 36 प्लस 25 कितना हुआ 51, है ना 61 हुआ इनफैक्ट, है ना 61, 3 प्लस 2 कैरी 1 61, तो ये WN हो गया 300 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 61 किलोमीटर, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस किलोमीटर में है। अब बाद में आप लिख दीजिए कंप्लीटनेस के लिए, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स या एरोप्लेन्स आफ्टर 1.5 hours will be 300 under root 61 किलोमीटर। एनसीईआरटी यही आंसर दे रही है, वो डेसिमल में आंसर नहीं निकाल रही है, तो हमें भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे, मतलब मैं थोड़ा सा और कर रहा हूं एक बार और, आप सीधा 300 कॉमन लेते, तब क्या होता 300 स्क्वायर बाहर आ जाता और अंदर कितना आ जाता 300 कॉमन लिया था, यहाँ पे 6 आया तो 6 स्क्वायर, और यहाँ पे 300 कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 आया तो 5 स्क्वायर। फिर आप उसके बाद, ये तो WN स्क्वायर है, फिर आप उसके बाद WN लिखते तो यहाँ 300 आ जाता और अंडर रूट 61 किलोमीटर, आप सीधे आंसर लिख देते। बट जो बच्चे थोड़ा फास्ट करना जानते हैं वही ऐसा कर पाएंगे, अगर आप सीख रहे हैं ये कॉमन वॉमन लेना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।